आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, परावर्तन के कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था। तो अब देखिए, हम इस चैप्टर 9 को दो भागों में पढ़ने वाले हैं। एक तो प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश का अपवर्तन, बस यही है इस पूरे चैप्टर में। तो हमने प्रकाश के परावर्तन को समझ लिया था, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं और इसके कुछ उदाहरण को देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन में तो क्या हो रहा था कि भाई एक ये सब्सटेंस था, मतलब एक सरफेस थी, इस पर लाइट आई थी किसी माध्यम से, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट गई, इसे तो बोलते थे परावर्तन, ठीक है ना। अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में थोड़ा अलग होता है कि लाइट की किरण किसी एक माध्यम से आती है और फिर दूसरी माध्यम में चली जाती है। क्या, एक माध्यम से आ रही है और फिर वो एंटर किसके अंदर कर रही है, दूसरे माध्यम के अंदर एंटर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए डायग्राम कैसे समझ, डायग्राम को समझ लिया तो आपने इसकी परिभाषा को समझ ली, आप खुद इसकी परिभाषा लिख सकते हैं और आप खुद ही इसके नियम लिख सकते हैं। सिर्फ आप डायग्राम को समझ लो और कुछ नहीं है। देखिए इस अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में ये मान लीजिए कोई माध्यम है, जैसे हमने एक माध्यम ले लिया पानी और ये माध्यम हो गया हवा। तो किसी एक माध्यम से यानी कि हवा वाले माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो प्रवेश करती है तो हमें क्या लगता है कि प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, पर वो ऐसे नहीं जाकर इस तरफ मुड़ जाती है, थोड़ी अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को बोलते हैं अपवर्तन। बहुत ही ईजी था, बहुत ही सरल था, इसमें समझने के लायक कुछ भी नहीं था। क्या है कि कब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। देखिए ये प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखी हुई है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब आपको पता ही था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो किरण आपतित होती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, और इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। इसमें परावर्तित, इसमें आपको अपवर्तित, ठीक है ना। ये क्या हो गया था, अभिलंब, ये हो गया था अपवर्तन। इजी था, यहाँ तक तो समझने के लायक कुछ भी नहीं था। अब है समझने के लायक बात, क्या है कि भाई देखिए, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। माध्यम दो तरह के होते हैं, एक होता है विरल, एक होता है सघन। विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम थोड़ा ठोस होता है, क्या होता है, थोड़ा ठोस होता है इसकी विरल माध्यम की अपेक्षा, ये कम ठोस होता है और ये थोड़ा इसकी अपेक्षा ये ज्यादा ठोस होता है। जैसे कि हम लेते हैं हवा, पानी, दो माध्यम ले लिए, ठीक है, हवा ले लिया, पानी ले लिया। तो अब पानी हवा की अपेक्षा में थोड़ा ज्यादा ठोस है, तो पानी हो गया एक सघन माध्यम और हवा हो गया उसके लिए विरल माध्यम। अब मैं दो उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया पानी और कांच, क्या ले लिया, पानी और कांच। तो कांच क्या हो गया, पानी की अपेक्षा में ज्यादा ठोस है, तो कांच हो गया सघन माध्यम, पानी हो गया एक विरल माध्यम। तो आप अपवर्तन की परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने निर्धारित पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन, क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अब यहाँ देखिए, यह एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई, इस एंगल को बोलते हैं एंगल आर, ठीक है ना। अपवर्तित एंगल और अपवर्तित एंगल और आपतन कोण और अपवर्तित कोण, आपतन कोण और अपवर्तित कोण। तो ये हो गया सिंपल जो बेसिक कंसेप्ट था अपवर्तन के ऊपर। सिंपल है कि भाई कोई एक माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने निर्धारित पथ से, जो निर्धारित पथ था वहां में जाके थोड़ा विचलित हो गई, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब माध्यम दो तरह के होते हैं, एक होता है विरल, एक होता है सघन।
इसके बारे में समझ में आ गया कि सघन थोड़ा विरल की अपेक्षा में ठोस होता है और विरल सघन की अपेक्षा में कम ठोस होता है। अब आगे बात करते हैं हम थोड़े अपवर्तन के नियम के बारे में, अपवर्तन के क्या क्या नियम हैं। तो बात करते हैं अपवर्तन के नियम की, ठीक है ना। अपवर्तन क्या है समझ लिया, बहुत ईजी था। देखिए परावर्तन के जो नियम पढ़े थे और अपवर्तन के नियम में एक नियम तो कॉमन रहता है, याद रख लो कि भाई आपकी किरण अपवर्तित किरण, उसमें थी परावर्तित किरण, इसमें थी अपवर्तित किरण, और अभिलंब एक ही तल पे या एक ही बिंदु पे स्थित रहते हैं। यानी कि परावर्तन में तो ये था भाई कि यहाँ पे एक पॉइंट पर तीनों स्थित है, अपवर्तन में क्या था ये था और यूं मिल गई। तो अभिलंब और यह आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये तीनों भी एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। और इसमें दूसरा नियम क्या था कि कौन आई और कौन आ, दोनों बराबर होते हैं। इसमें थोड़ा अलग है, इसमें क्या है देखिए कौन हमेशा कहाँ बनता है, दो किरण किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ क्या कौन सा कौन बनेगा कौन आई, यहाँ कौन सा कौन बनेगा कौन आर। तो इसमें है कि अपवर्तन कौन आर का जिया, जिया का मतलब होता है साइन थीटा, अब जिया याद नहीं हो तो यहाँ साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो अपवर्तन कौन का जिया, आपतन कौन का जिया का अनुपात एक का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, या अनुपात स्थिरांक के बराबर रहता है, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप कि अपवर्तन कोण आर का जिया या आपतन कोण आर का जिया का अनुपात स्थिरांक के बराबर होता है या स्थिर रहता है, ये लिख सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्नेल का नियम बताइए, ये इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि अपवर्तन का दूसरा नियम बताइए या अपवर्तन का कोई नियम बताइए, आपको ऐसा पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या था, स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम है। आप ऐसे भी लिख के आ जाओगे अगर आपको कोई सर याद नहीं हो तो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, यानी साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू, अगर ऐसे लिख के आ गए तो भी पूरा नंबर है। और अगर आप इसे भाषा में लिख के हो कंप्यूटर लिख रहे हो तो बहुत ही बोनस पॉइंट है कि अपवर्तन कोण आर का जिया आपतन कोण आर के जिए का अनुपात स्थिरांक के बराबर होता है, ये था स्नेल का नियम और अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। ये तो हो गया भाई अपवर्तन के नियम के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं अपवर्तन के कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं, कुछ उदाहरण यानी कि देखिए या तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अपवर्तन को समझाओ परावर्तन को समझाओ, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इनके जो उदाहरण है अपवर्तन और परावर्तन, तो अपवर्तन और परावर्तन के जो उदाहरण है वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि परावर्तन के उदाहरण को समझाओ, या ऐसे पूछेगा परावर्तन के उदाहरण में हमने क्या पढ़ा था, समतल दर्पण प्रतिबिंब, इस उदाहरण को पढ़ा था परावर्तन के अंदर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब को समझाओ, या अपवर्तन में ऐसे पूछ सकता है जैसे अपवर्तन के उदाहरण को हम पढ़ेंगे कि जैसे सबसे बड़ा उदाहरण जो हमें पता है सूर्य का, जो हमारे आपके बुक में दिया गया है कि भाई सूर्य उदय होने से पहले हमें दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें थोड़ी देर तक दिखाई देता है, तो ऐसे क्यों होता है, तो इसको समझो। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये हो गया पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है। सूर्य है यहाँ पे स्थित, तो सूर्य की किरण आ रही है, ये मान ली क्या आ रही है सूर्य की किरण आ रही है। अब ये एक माध्यम हो गया, ये हो गया पहला माध्यम, अब वो क्या कर रही है दूसरे माध्यम में प्रवेश करिए, बाहर तो स्पेस में क्या है वैक्यूम निर्वात, ये कौन सा माध्यम हो गया निर्वात माध्यम, तो वो निर्वात माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करिए तो क्या होगा अपवर्तन होगा, सिंपल है। तो अपवर्तन होगा तो इसे जाना तो यूं चाहिए था, पर वो जाती यूं है तो हमें सूर्य यहाँ दिखाई देता है, यानी उदय होने से पहले ही हमें सूर्य दिखाई देता है, और अस्त होने के बाद भी क्या है कि जैसे ये सूर्य था तो अस्त होने पर ये किरण यहाँ तक जानी चाहिए, नहीं सॉरी हाँ, तो अस्त होने पर क्या होता है ये सूर्य किरण यूँ जाती है, यूँ जाने की बजाय ये यूँ मुड़ जाती है, तो वो अस्त होने के बाद भी हमें थोड़ी देर तक दिखाई देता है। तो ये सिंपल है, ऐसा कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, किताब में दिया गया है, पर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है
कि अपवर्तन के उदाहरण को समझाइए और परावर्तन के उदाहरण को समझाइए। तो परावर्तन के उदाहरण में हमने सबसे क्या पढ़ा था, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अपवर्तन में ये सूर्य और पृथ्वी वाला क्वेश्चन आ सकता है कि इसको समझाइए, लघुरात्मक सवाल भी आ सकता है और निबंधात्मक भी आ सकता है। तो अपवर्तन के बारे में समझ लिया, अपवर्तन के नियम के बारे में समझ लिया कि अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, और अपवर्तन का उदाहरण हमने समझ लिया। अब कुछ टॉपिक्स आपकी किताब में दिए हुए हैं, जैसे वर्ण विक्षेपण, क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या होता है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या होता है ये समझ लीजिए, समझ लिए डायग्राम को समझ लिया तो आप भाषा खुद बना सकते हो। क्या होता है, जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, ये अपवर्तन होता है। तो हमने प्रकाश की किरण को ऐसे नहीं भेजते, हम भेजते नीचे से, क्या करते हैं नीचे से भेजते हैं। जैसे मान लीजिए ये माध्यम दो है, कौन सा माध्यम है, माध्यम सेकंड है और ये माध्यम फर्स्ट है, ठीक है। तो हमने माध्यम सेकंड से प्रकाश की किरण को भेजा इसकी सरफेस पे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेज रहे हैं। अब ध्यान देना, जैसे ये डायग्राम है, पहले इस डायग्राम में देखो, प्रकाश की किरण को हमने नीचे से भेजा था, नीचे से भेजा था, यहाँ एक अभिलंब खींचा था। तो ये यूँ जानी चाहिए, ये कैसे चली जाती है, जैसे यूँ जानी थी, ये यूँ चली जाती है, कैसे चली जाती है, यूँ चली जाती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब इस माध्यम ने हमने किरण को थोड़ा सा और यूँ कर दिया, इस तरफ खींच लिया, तो ये किरण कैसे जाएगी, ये हमारा क्या हो गया अभिलंब। तो थोड़ा सा जैसे यहाँ से डालता तो यूँ जाती, और यहाँ से नहीं डाल के मैंने थोड़ा सा और इसे खींच लिया इधर, तो किरण कैसे चली जाएगी, यूँ चली जाएगी। तो अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वही उलगा जाएगा आपके क्रांतिक कोण, क्या हो जाएगा क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्रांतिक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जैसे ये प्रकाश की किरण गई यहाँ निकली, मैंने इसको और इधर खींच लिया, तो प्रकाश की किरण इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में यहां से सवाल आ सकते हैं, इसके मैं आपको शॉर्ट ही समझा रहा हूँ। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये कोई प्रिज्म है, क्या है प्रिज्म, प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो क्या होती है, प्रकाश की किरण अपने सात मूल रंगों में विभाजित हो जाती है, सात मूल रंग प्रकाश की किरण में विभाजित हो जाती है। या आपने मान लीजिए कोई सफेद पर्दा लगाया तो यहाँ पे आपको सात मूल रंग दिखाई देंगे, प्रकाश की किरण अपवर्तित होके सात मूल रंगों में विभाजित हो जाती है, ये क्या होता है वर्ण विक्षेपण होता है। बस सिंपल है, डायग्राम को समझ लो, भाषा आप खुद बना दोगे। तो ये हो गया टोटली आज अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के कुछ उदाहरण, क्रांतिक कोण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, सभी सिंपल टॉपिक और कुछ नहीं है। क्रांतिक कोण क्या है कि प्रकाश की किरण को हमने थोड़ा सा इधर और ले लिया तो वो प्रकाश की किरण क्या हुआ, ऐसे चली गई, तो अभिलंब के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया इसने, तो ये हो गया क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने थोड़ा और इधर ले लिया तो ये अंदर ही चली गई वापस, वापस अंदर ही अपवर्तित हो गई, तो इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वर्ण विक्षेपण, तो ये क्या है कि किताब में से आपको पहले डायग्राम को समझ लिया ना, अब आप क्या करो किताब में से थ्योरी, पांच पांच पॉइंट की कोई थ्योरी पढ़ लो बस, बहुत है, तो आप इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हो। तो बहुत ही सिंपल था, अपवर्तन के लिए, अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, अगले अगले टॉपिक्स क्या क्या है आपके, ठीक है, ओके। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहां पर शेयर कर सकता हूं। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।